गाइस जैसे मेरे पीछे दिखता होगा आपको, ये है मंदिर काशी विश्वनाथ का। और हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं अभी मंदिर के, और फुल खतरनाक वाला VIP एंट्री लिया है हम लोग ने, और मोबाइल अलाउड किया है हम लोग को, और देखते हैं अभी पिंटू भैया लोग कहाँ पर है। गाइस सीन ऐसा है, अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है और हम लोग ने मोबाइल जमा किया था वहाँ पर, मोबाइल जमा करना था। मैं आपको आगे से लुक दिखाता हूँ मंदिर का, वाकई भाई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अलग धार्मिक वाला सीन लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके। जैसा जैसा मेरे को दिखा मैं आपको वैसा दिखाना चाहता था, पर मोबाइल अलाउड नहीं था यहाँ पर। अभी मैं दिखा तो आपको आगे से लुक कैसे दिख रहा है मंदिर का लुक। जैसा आपको पीछे दिखता होगा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंग में कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। और मैंने यहाँ पर विजिट कर लिया, इसके बाद और मेरे को 11 बचा है, वो भी जल्दी मेरा हो जाएगा, धीरे धीरे सब ड्रीम कंप्लीट होएगा। मेरा ड्रीम यही है कि 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है। अभी वो जो एक और है वो तो महाराष्ट्र में, वो तो घूम लूंगा, पर ये जो था ये मतलब थोड़ा दूर था तो बनारस आया, ये भी घूम लिए। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक वाला फील आया, मस्त लगा एकदम। हम लोग बाहर आ चुके हैं मंदिर के और दर्शन कर लिए हम लोग ने प्रॉपर तरीके से, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था यहाँ पर। मोबाइल अलाउड नहीं था अंदर, तभी भी मैंने एक्स्ट्रा फीस पे करके मैं मोबाइल अंदर लेके गया उस साइड में। और मैंने जैसे दिखाया उसके लिए 150 या 250 कुछ पे करना पड़ता है वो मोबाइल लेके जाने के लिए अंदर साइड में। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पर और पाँचों जन साथ में, पाँचों जन दिख जाओ यार, हाँ तो हम लोग पाँचों जन साथ में, पिंटू भैया, संजीत भैया, दीपू भैया और दीपक भैया, सबके सब साथ में है। और अभी जैसे जैसे घाट पे जा रहे वैसे दिखा रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से, सो बने रहो जब तक। तो गाइज ये जो जगह है वहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रांझना मूवी का शूटिंग हुआ था। मैं प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ आपको, सही में यही पर हुआ था रांझना मूवी का शूटिंग, और बहुत सारा वेब सीरीज वगैरह मूवी वगैरह का शूटिंग होता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जो जो लेके गए थे वो पैकिंग करवाते, लोग ने अपना सामान भी ले लिया, जो जो वहाँ पर लॉकर में रखा था बैग वगैरह वो भी ले लिया है। और अभी निकल रहे हम लोग अपने वापस से रूम की तरफ, और जो जो हो रहा है मैं आपको सब दिखाता हूँ। देखते हैं अभी यहाँ का गली वगैरह बहुत अलग तरीके से दिख रहा है, एकदम मजा आ रहा है। निकल गए गेट पे से और अभी जा रहे हम लोग अपने रूम की तरफ, कहाँ से, लंदन के रास्ते, तो हम लोग वापस पहुंच गए अपने लंदन वाले रास्ते पर, न्यूयॉर्क सिटी वाले रास्ते पर। और पांचों जन एक साथ निकले वापस, एक दो तीन चार, अबे ऐसे ही चलो मस्त दिख रहे एकदम। पिंटू भाई पीछे से सही कर लो, हाँ बहुत सही,
तो गाइज हम लोग बनारस की गलियों में घूमते हुए, और ये गलियां नहीं, ये है बनारस की साड़ी भी बोल रहे बाबा, बहुत मस्त मिल रहा है। साड़ी की फैक्ट्री है यहाँ पर, होटल केसरी, इनके पास आना ज़रूर। और सब के सब एकदम मस्त घूम रहे भाई बनारस में, फुल इंजॉय। हमारा दर्शन हो चुका है, सबसे मेन चीज़ था दर्शन, जो दर्शन हो चुका है, अभी हम लोगों से घूमना है फिरना है। सबसे पहले जाते हैं अभी होटल में, और अपना जो रूम है उसमें जाके चार्जिंग वगैरह लगाते हैं मोबाइल को। बाकी गाइस आपको आउटफिट कैसे लग रहा है बताना ज़रूर, और इंस्टा पे जाके फोटोज़ चेक करना मेरे, कैसे कैसे मैंने फोटोज़ अपलोड किए भाई, बहुत मस्त, मतलब बहुत मस्त क्लिक्स किए। हम लोग ने गंगा भी नहा लिया, और गंगा नहा के पाप धो लिया, जितना पाप किया था पाप धो लिया ना, पाप किए थे हम लोग, पापी है सबके सब पापी, और पाप धो लिया, अब हम लोग शुद्ध हो गए एकदम शुद्ध। भैया बताओ कैसा लग रहा है, जोर से बोलो, जय श्री राम बोलो, जोर से बोलो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहा के पाप धो के कैसा लग रहा है, पाप किए थे वो तो आपको ही पता है कितना पाप किए थे, आपको कैसा लग रहा है, एक नंबर, नहीं नहीं पाप धो के कैसा लग रहा है, पाप करी किए ही नहीं थे, धुले के ऐसे कैसे पाप नहीं किए थे, पाप किए थे, अरे जो गलती हो गया, अरे जब नहा रहे थे वो मैल निकल रहा था उसमें से, पानी में से कलर चेंज हो रहा था पानी का, वो पाप किए होते तो होता है, काहे उस साइड जाके नहाए जहाँ पापिया ज्यादा जाते हैं, नहीं नहीं पापिया ज्यादा जाते वहाँ पर पापी लोग। गाइस अभी का प्लान ऐसा ही कि अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर, वहाँ पर जाके कपड़े चेंज करते हैं, और ये कपड़े वापस हम लोग पहनेंगे जब ही मैं पहनूंगा, बाकी सबका पता नहीं जो लोग पहनेंगे कि नहीं, पर मैं पहनने वाला वापस जब घाट पे जाएंगे गंगा आरती के लिए, और शाम को वापस जाने वाले गंगा आरती के लिए हम लोग, और ये कपड़ा मैं वापस पहन के जाऊँगा। अभी रूम पे जाते हैं और मिलते हैं आपको वहाँ पर।